चीन में इतिहास की सबसे बड़ी डेटा चोरी का आरोप लगा है। अलीबाबा सर्वर से लीक होने का ये है आरोप। 1 अरब लोगों का डेटा लीक होने का दावा है, बहुत बड़ा आरोप। शंघाई पुलिस मामले की जांच में जुट गई है, 1 अरब लोगों के डेटा लीक का है दावा। चीन की सबसे बड़ी ऑनलाइन कंपनी अलीबाबा एक ऐसे विवाद में फंस गई है जिसकी वजह से एक तरफ कंपनी की इमेज को भारी नुकसान पहुंच सकता है तो दूसरी तरफ कंपनी कानूनी पचड़े में फंस सकती है। अलीबाबा कंपनी पर चीन के इतिहास की सबसे बड़ी डेटा चोरी का गंभीर आरोप लगा है। इस खुलासे के बाद अधिकारियों के होश उड़ गए और तुरंत अलीबाबा कंपनी के आला अधिकारियों को शंघाई पुलिस ने पूछताछ के लिए तलब किया। हैकर का दावा है कि 1 अरब चीनी नागरिकों को कवर करने वाला शंघाई पुलिस का डेटा अलीबाबा के निजी क्लाउड सर्वर से आया है। इस डेटा को इस महीने की शुरुआत में ही डार्क वेब पर 10 लाख वेबसाइट में बिक्री के लिए रखा गया था। डेटा में लोगों का नाम, पता, आईडी नंबर और मोबाइल नंबर शामिल है। चीन की कुल आबादी 140 करोड़ की है, जिसमें से अगर 100 करोड़ की जनता की इन्फॉर्मेशन लीक हो चुकी है तो आम लोगों के साथ साथ चीनी सरकार की चिंता भी बढ़नी लाजमी है। सरकार अब ये पता लगाने में जुटी है कि क्या वाकई में इस डेटा लीक के लिए अलीबाबा कंपनी ही जिम्मेदार है या कोई और।